मैं आशुतोष वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में, बिहार की सियासत के बारे में, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर उस समय तक टिके रहेंगे, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की गद्दी पर टिके रहना मौजूदा स्थिति में असंभव सा लग रहा है। कारण ये भी है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार इस बार एनडीए से इतने ज्यादा नाराज है कि शायद मुख्यमंत्री की गद्दी तो छोड़ेंगे ही, लेकिन एनडीए का साथ छोड़ा नहीं है। यानी पलटू राम नीतीश कुमार को कहा जाता है, वो बस फिर से पलटू राम का काम करते नजर आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसलिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है या प्रयासों के तौर पे भी यह बात उठ रही है। कारण ये है क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल से भी आम दिन में नहीं, भरी बारिश में भरी शाम जाकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करके आए थे। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगर नीतीश अपना इस्तीफा राज्यपाल के टेबल पर सौंप देते हैं तो बिहार में बड़ा एक कह सकते हैं घमासान आ जाएगा, सियासी घमासान आ जाएगा। कारण ये भी बनेगा क्योंकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ना, नवी बार जिस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी केवल इसलिए ली थी, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ही एनडीए में वो शामिल हुए थे। अब वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे, वही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार ये बड़ा कहीं ना कहीं कदम उठाते नजर आते हैं तो आखिर नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, इस पर लगातार सवाल करे जा रहे हैं, सवाल डाले जा रहे हैं। आपको बता दें आरजेडी के साथ गठबंधन करने के प्रयास नीतीश कुमार के लगाए जा रहे हैं कि नीतीश आरजेडी के साथ राजद के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव की ओर जा सकते हैं। लालू यादव की ओर अगर नीतीश कुमार जाते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कयास और जो बयान नीतीश कुमार के लिए लालू यादव तेजस्वी यादव के आए थे जब वो एनडीए में शामिल ही हुए थे, साफ तौर पर लालू यादव का कहना था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं, नीतीश जब चाहे हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है कि चाचा नीतीश का दिल तो हमारे साथ है लेकिन दिमाग एनडीए के साथ है, और वही दिमाग वो वहां इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दिल हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे पास वापसी जरूर करेंगे। हालांकि अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार सच में वापसी करते नजर आते हैं, क्योंकि वही नीतीश कुमार है जो पलटू राम कहलाए जाते हैं, सिर्फ एनडीए के साथ गठबंधन इसीलिए करते हैं ताकि मुख्यमंत्री बने रह सके, इसीलिए गठबंधन करते हैं ताकि मंत्रालय में कोई बड़ा मंत्री पद मिल सके, लेकिन वो मंत्रालय में मंत्री पद दिया और वही उनके जो तमाम सांसद थे उनको भी कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री बना दिया गया, तो नीतीश को इस बात का बड़ा झटका लगता नजर आया है। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या करते नजर आए। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।